आज हमने रेस्टोरेंट स्टाइल वेज सिकमपुरी कबाब बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके घर में कोई मेहमान आए या पार्टी रखी हो तो उस टाइम पे आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। कबाब बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। बहुत ही टेस्टी कबाब बना है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं वेज सिकमपुरी कबाब। तो पहले हम वेजिटेबल को स्टीम कर लेते हैं। आधा कप ग्रीन बीन्स ली है, इसे एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आधा कप गोभी है, फुल गोभी, इसे भी एकदम बारीक चॉप करके लिया है। और आधा कप गाजर, इसे भी बारीक चॉप करके लिया है। फुल गोभी और गाजर को आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और ग्रीन बीन्स को इसे बारीक चॉप करके ही लेना है। कुकर में रखने वाला एक स्टील का कंटेनर मैंने ले लिया है, इसके अंदर ये वेजिटेबल को डाल देंगे। वेजिटेबल को हमें पहले पानी से एकदम अच्छे से धो लेना है और इसका पानी सब सूख जाए इसके बाद ही इसे बारीक चॉप करना है। वेजिटेबल को स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डाला है और इसके अंदर एक रिंग रखी है। पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम ये वेजिटेबल रख देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे स्टीम कर लेते हैं। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक स्टीम कर लेते हैं। वेजिटेबल को 4 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है। 1 मीडियम प्याज बारीक चॉप करके लिया है। आधा कप जितना प्याज है, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक सौते कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लिया है। 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने रफली पेस्ट बनाई है, ये अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट है ये, और इसे हमने दरदरा ही पीसा है। फ्यू सेकंड इसे भी सौते कर लेते हैं। वेजिटेबल हमने स्टीम किया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने धीमी रखी है। 2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून फ्राइड ऑनियन है, तला हुआ प्याज जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं वही है। आपको अगर ये डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेंगे। 2 बड़े आलू को बॉईल करके इसे कद्दूकस कर लिया है। ये 250 ग्राम जितना आलू है। हमने ये वेजिटेबल सौते किया था, ये अंदर डाल देंगे। ये ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसे डालना है अंदर। 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप है और 3 टेबलस्पून बारीक चॉप फुदीना। 1/2 कप पनीर को कद्दूकस करके लिया है, ये कद्दूकस किया हुआ पनीर 1/2 कप है। 4 टेबलस्पून काजू का पाउडर, 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे पहले। ये ब्राउन ब्रेड का ब्रेड क्रम्स है, ड्राई ब्रेड क्रम्स हमने डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। कबाब का मिश्रण थोड़ा गीला लग रहा है तो 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब का मिश्रण जो है वो थोड़ा ड्राई बनना चाहिए, एकदम ज़्यादा गीला गीला नहीं रहना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत है उतना ब्रेड क्रम्स हमें डालना है। कबाब में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। 2 क्यूब प्रोसेस चीज़ को हमने कद्दूकस करके लिया है। 1/4 कप ग्रीन चटनी डालेंगे, हरी चटनी, धनिया और पुदीना की चटनी हमने बनाई है। और चटनी हमें थोड़ी गाढ़ी बनानी है, एकदम पतली चटनी अंदर नहीं डालना है। 3 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग के मिश्रण को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसका हम पतला घोल बना लेते हैं। एक चौथाई कप पानी डाल के हमने पतला घोल बना लिया है। 1 पिंच नमक इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी हम कबाब बनाएंगे, तेल वाला हाथ कर लेंगे।
जितनी साइज का कबाब आपको बनाना है उतनी साइज का आप कबाब बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। स्टफिंग हमने बनाया है ये अंदर रखेंगे। एक चम्मच जितना स्टफिंग अंदर रखना है इस तरह से इसे सील कर लेंगे। इसे हम सिलिंड्रिकली शेप का कबाब बनाएंगे। आपको अगर गोल बनाना है तो आप टिक्की के जैसा गोल कबाब भी बना सकते हैं। इसे पहले कॉर्नफ्लोर के स्लरी में डिप करेंगे। फॉक की सहायता से इसे बाहर निकाल लेंगे और हमने ड्राई ब्रेड क्रम्स लिया है इसके अंदर कोट कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से ड्राई ब्रेड क्रम में कोट करना है। इस तरह से सभी कबाब को हम रेडी कर लेते हैं। कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद में इसे फ्राई करना है। इस तरह से कबाब रेडी करके आप फ्रिज में इसे रख सकते हैं और जिस टाइम पे सर्व करना है उसी टाइम पे इसे फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। कबाब को हमने फ्रिज में रखा था, आधा घंटा हो चुका है तो इसे हम अभी फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो गया है। धीरे से कबाब को तेल के अंदर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। कबाब को हमें तुरंत पलटना नहीं है, एक से डेढ़ मिनट फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसके बाद इसे पलटना है। मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। लास्ट में थोड़ी देर इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से उलट पलट के इसे फ्राई करना है। ये हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। कबाब को हमने टोमेटो सॉस और लच्छा प्याज के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।